लॉकडाउन 3.0 जिला कांगड़ा में 17 मई तक जारी रहेगा, जिसमें कांगड़ा जिला प्रशासन की ओर से काफी छूटें दी गई हैं। मंगलवार को अब दुकानें 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी, जबकि पहले दुकानें खुलने का समय सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक होता था। कांगड़ा जिला में रेस्टोरेंट, कैफे, ईटिंग पॉइंट, ढाबे भी खुलेंगे, लेकिन टेक अवे और होम डिलीवरी हो सकेगी, जबकि यहां बैठकर खाना खाने की व्यवस्था बहाल नहीं की गई है। ये जानकारी उपायुक्त कांगड़ा राकेश प्रजापति ने पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान दी। डीसी ने बताया कि ओपीडी सेवाएं सब जगह शुरू करने के लिए बोल दिया गया है। टांडा मेडिकल कॉलेज में ओपीडी सुचारू रूप से चल रही है, जहाँ इंतजाम करने की जरूरत है वहाँ किए भी जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जोनल अस्पताल धर्मशाला में आज यानी मंगलवार से जनरल ओपीडी सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। उपायुक्त ने बताया कि सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक जिला में किसी भी तरह की मूवमेंट के लिए कर्फ्यू पास की जरूरत नहीं होगी, जबकि इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर स्टेट मूवमेंट के लिए वर्तमान कर्फ्यू पास सिस्टम ही लागू रहेगा। इसके अलावा शिमला में COVID-19 वेबसाइट और जिला कांगड़ा में वेबसाइट पर कर्फ्यू पास के लिए आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि शराब ठेके खोल दिए गए हैं, जबकि आते व बार बंद रहेंगे। शराब ठेकों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अन्य दुकानों की तरह मार्किंग बनानी अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि बैंक, एटीएम और डाकघर में पब्लिक डीलिंग का समय सुबह 9 से 2 बजे तक होगा, और जो भी दुकानदार अपनी दुकानें खोल रहे हैं उन्हें अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा, जिससे दुकानदार खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि शॉपिंग मॉल, स्पा, सिनेमा हॉल, जिम, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे। इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंट्रा डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट के लिए टैक्सी सर्विसेज 2 यात्रियों और 1 ड्राइवर के साथ चल सकती है, जबकि बसों के चलने के लिए अभी कोई अनुमति नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालय 30% स्टाफ के साथ खुलेंगे, और इनमें क्लास 1 और क्लास 2 के सभी कर्मचारी आएंगे, जबकि क्लास 3 और 4 कर्मचारियों को रोस्टर सिस्टम के तहत आना पड़ेगा। जैसा कि आपको पता है, लॉकडाउन 3.0 आज से 17 तारीख के लिए जारी रहेगा, और उसको लेकर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा कुछ रिलैक्सेशन देने के लिए दिशा निर्देश हुए थे, और कल सरकार से भी दिशा निर्देश होने के उपरांत आज जिला कांगड़ा में भी कुछ रिलैक्सेशन हम देने जा रहे हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो अभी तक दुकानों के खुलने का जो समय था वो सुबह 8 से 12 का था, उसको अब 9 बजे से दोपहर के 2 बजे कर दिया गया है, 9 AM to 2 PM। इसके अलावा जो रेस्टोरेंट्स, कैफ़े, ईटिंग जॉइंट्स, स्वीट शॉप्स और ढाबाज हैं, ये भी खुलेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर टेक अवे और होम डिलीवरी हो सकती है यहाँ से, और वहाँ पर बैठ के खाने का या जो भी सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं वो अभी भी बहाल नहीं हुए हैं। इसके अलावा जो लिकर वेंट्स हैं वो आज से खोल दिए गए हैं, और लेकिन साथ ही साथ जो बार हैं या फिर अहाते हैं वो बंद रहेंगे। इसी प्रकार जो बैंक, एटीएम और पोस्ट ऑफिस का जो पब्लिक डीलिंग का जो टाइम है वो 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगा। इसके अलावा जितने भी ये लिकर वेंड ऑपरेटर्स हैं, लाइसेंसीज हैं, इनको कल ही बता दिया गया था कि आप अपने शॉप्स के बाहर, जैसे बाकी अन्य शॉप्स के बाहर मार्किंग्स हमने की हैं 1.5 मीटर 2 मीटर के दूरी पर, उस प्रकार की दूरी मेंटेन करने के लिए मार्किंग्स वो करें। इसके अलावा जितने भी दुकानदार अपनी जो शॉप्स खोल रहे हैं उन सबको आज आदेश किया जा रहा है कि वो आरोग्य सेतु ऐप जो है वो डाउनलोड करेंगे, ताकि वो खुद को भी और जो आने वाले कस्टमर्स हैं जिनके पास आरोग्य सेतु इंस्टॉल्ड है वो अपने आप को सुरक्षित रख सकें। जो मॉर्निंग वॉक का समय था, चूँकि ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए भी, जो बुज़ुर्ग लोग हैं सुबह वॉक करने के लिए जाते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए सुबह 5:30 से 7 बजे का टाइम अभी भी उनके लिए बहाल रखा गया है। इसके अलावा जो बार्बर शॉप्स हैं, हेयर सलून हैं, ब्यूटी पार्लर्स हैं, बार, स्पा, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल्स, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सेस, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, ये सारे के सारे अभी भी, जिम्स वगैरह इत्यादि, ये अभी भी बंद ही रहेंगे 17 तारीख तक। इसके अलावा जो इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंट्रा डिस्ट्रिक्ट की मूवमेंट की बात है, टैक्सीज ऑपरेट कर सकती हैं अब। टैक्सी जो ऑपरेट करेंगी वो, उसमें 1 ड्राइवर और 2 पैसेंजर हो सकते हैं। इसके अलावा बसेस की अभी भी चलने की कोई भी अनुमति नहीं दी गई है।
गवर्नमेंट ऑफिसेस जैसे कि एमएचए के आदेश हुए थे, गवर्नमेंट के ऑफिसेज अब खुलेंगे और 30% वर्कर्स के साथ खुलेंगे। और इसमें जो क्लास वन और क्लास टू हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो सभी लोग आएंगे, और जो क्लास टू और क्लास थ्री जो क्लास थ्री और क्लास फोर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका रोस्टर सिस्टम बनाना पड़ेगा एंड 30% अटेंडेंस के साथ वो काम करेंगे। इसके अलावा जैसा कि पहले भी मैंने बताया है, जिला कांगड़ा में कोई भी कार्य के लिए किसी प्रकार के लिए जो हमारे ऑफिशियल्स हैं या एसेंशियल सर्विस के लोग हैं या एसेंशियल कमोडिटीज़ जो हमारी मूवमेंट हो रही है, इसके लिए किसी भी प्रकार के कर्फ्यू पास की ज़रूरत नहीं है। और जो आम लोग हैं उनके लिए सुबह जो 9 बजे से 2 बजे का टाइम है उस टाइम किसी भी प्रकार की कर्फ्यू पास की ज़रूरत नहीं होगी, जो विद इन डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट है। और जो इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट है और इंटर स्टेट है, जो स्वतः अभी हम पास सिस्टम जो चला रहे हैं कर्फ्यू पास सिस्टम, उसी हिसाब से चलेगा। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि शिमला से हमारे जो वेबसाइट है COVID-19 वहां पर भी लोग पासेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो हमारी कांगड़ा की वेबसाइट है वहां पर भी लोग पासेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं।